अंबर ने नाश्ता नहीं किया क्या? अंबर अपने कमरे में नहीं है। क्या मतलब? कहाँ गई है? कब गई है? आप टेंशन नहीं लें, मैं फोन करके पूछती हूँ। बेल जा रही है, उसने फोन काट दिया। अंबर का मैसेज आया, वो कह रही है कि मैं क्लासरूम में हूं। संबल मिली आपको? वहां थी वो? वहीं थी। और अपने किए की सजा भुगतने के लिए आप उसको आलियान के रहमकरम पे छोड़ आई है वहां पे? कुछ नहीं करेगा वो उसे, एक दो दिन में मैं उसको ऐसे झंझट में फंसाऊंगी कि सब कुछ भूल जाएगा। आप कुछ नहीं करेंगे अम्मी, जो होगा मैं करूंगा, आप नहीं प्लीज। अच्छा, क्या करोगे, क्या कर सकते हो तुम? जो आपने बिगाड़ा है ना, उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। बस आप सुंबल के यहाँ नहीं जाएंगे। तुम कौन होते हो मुझ पे पाबंदियां लगाने वाले? सुंबल और अंबर का भाई हूं मैं, अपने पैरों पे खड़ा हो गया हूं, इस घर को संभाल सकता हूं। मैंने कह दिया ना, आप नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अच्छा, तो मेरे होते हुए अब तुम्हारी मनमानी चलेगी? आप अपनी करती आई है ना हमेशा, तो देख ले कहां के खड़े हो गए हम। अब इस घर के सारे डिसीजंस मैं लूंगा, आप नहीं। बदतमीज, बकवास करते रहते हो, क्या समझते हो अपने आप को तुम? मार ले जितना मारने, लेकिन अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। बात खत्म, देखते हैं। खाना रेडी है, आप आ जाएं। यहीं ले जी। झूठी माँ को डिफेंड करने के लिए मुझे झूठा साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझी? तो तुम्हारी माँ एक झूठी मक्कार औरत है। प्लीज मामा, के लिए इस तरह बात मत करें अली, प्लीज। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ की असलियत आ जाए ना, कि जितनी नफरत मैं उससे करता हूं ना, उतनी तुम करोगी उससे, समझी तुम? इसे यहां रखो। बैठो। खाओ। आप भी खाए ना। खाओ इसे। पता है तुम्हें क्यों पहले खाया खाने को? क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं तुमने इसमें जहर मिलाया होगा। आली, देखो मैं खुद भी मजबूर। वो क्या कहावत है, जैसी माँ वैसी बेटी। अब उस लिहाज से तो फिर तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता ना। जाओ यहां से। और सुनो, घर काफी गंदा हो रहा है, सफाई की जरूरत है। और शाम को कोई 4-5 अच्छी डिशेस बना देना। कोई आ रहा है?
मुझे लगता था कि शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा हो गया होगा अब तक कि सवाल पूछने की इजाजत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे कमरे में मैंने फोन रख दिया, उसे चार्ज कर लेना। मेरा मुंह क्या देख रही है? हो रहा है रानी, ये कोई जगह है? किचन में ले जाओ। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ जाओ ना जहाँ गुलामी करती हो तुम। मुझे सुंबुल बीबी यहाँ लाई थी ये कहकर कि यही काम दिला देंगी। यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा तुम्हें, सुंबुल वापस चलेगी, तुम उसके पास जाओ। अब मैं यहाँ से नहीं जा सकती आली भाई, मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुझे कोई परवाह नहीं है, बर्दाश्त करे ना करे, मेरी बच्ची वहाँ अकेली नहीं रह सकती। जाओ तुम उसके पास वापस जाओ। मैंने उन पे तशद्दुद होते देखा है, लेकिन मैं वहां नहीं जा सकती। आप प्लीज मुझे यहीं अपने कदमों में रहने दें। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना मेरी बच्ची कितनी अच्छी है, वहां मैं उसे अकेला छोड़ सकती हूँ? मुझे पता है सुंबुल भाभी बहुत अच्छी हैं, आली भाई भी बहुत अच्छे हैं, पता नहीं अचानक उनको क्या हो गया। तुम्हारी कहानियों का वक्त नहीं है मेरे पास। अगर वो इतने अच्छे होते ना मेरी बेटी के साथ, वो ना कर रहे होते जो कर रहे हैं। तुमने मेरी बेटी का हाल देखा है ना उधर? जी मैंने सब देखा है, लेकिन मैं नहीं जा सकती। देखो यहाँ से मैं तुम्हें पूरी तनख्वाह दूंगी, बस तुम रास्ते में रहो और मुझे बताती रहो वहाँ हो क्या रहा है। मैं नहीं जा सकती बेगम साहबा, आली भाई मेरी जान ले लेंगे। चुप चुप, कहा ना तुम्हें वापस जाना होगा। रानी चलो उठाओ ये सब कुछ। मैं नहीं जा सकती। चाहे तुम्हें मार भी दे उधर ही जाना पड़ेगा तुम्हें, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं यार नहीं, तुम इस तरह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं इंसान नहीं। इंसान हो, खता के पुतले हो, लेकिन साद एक बदकिरदार इंसान था, तुम उसके जैसे नहीं हो। हूं तो नहीं वैसा, लेकिन बन तो सकता हूं। वो सब कुछ करूंगा जो निशाने साहब, और अगर तुमने मेरा साथ देना तो दो, वरना मैं खुद कर लूंगा। क्या मैं किसी ऐसी लड़की को नहीं जानता? हाँ तुम नहीं जानते, लेकिन वो वहां दोस्त फरहान जो है वो तो किसी ना किसी को जानता होगा ना। लेकिन लेकिन क्या, भरोसा करो मुझ पर।